नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की खबर बिहार के सीतामढ़ी से, जहां यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर सीतामढ़ी पुलिस ने चलाया निःशुल्क रात्रि सेवा बस। सीतामढ़ी में त्योहार के समय घर वापस आने वाले यात्रियों के लिए सीतामढ़ी पुलिस के द्वारा निःशुल्क त्योहार स्पेशल बस को हरी झंडी दिखाकर सीतामढ़ी जिले के पुलिस कप्तान हरकिशोर राय ने शुभारंभ किया। हरिकिशोर राय ने बताया कि सीतामढ़ी में बाहर से त्योहार में आने वाले यात्रियों को रात्रि के समय गाड़ी उपलब्ध ना हो पाना एवं उपलब्ध होने के बावजूद सुरक्षित घर ना पहुंच पाना एक बड़ी चिंता की बात है। इसे दूर करने के लिए एवं यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए सीतामढ़ी पुलिस द्वारा त्योहार स्पेशल बस सेवा शुरू की गई है। ये बस रेलवे स्टेशन से महसौल चौक, आजाद चौक होते हुए कांटा चौक, फिर कांटा चौक पर मौजूद यात्रियों को लेकर भूतही होते हुए सोनबरसा तक जाएगी एवं वहां से सीतामढ़ी आने वाली यात्री को लेकर वापस सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन तक लाएगी। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। निःशुल्क बस सेवा, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये त्यौहार का सीजन चल रहा है, त्यौहार के सीजन में इस संख्या में सीतामढ़ी के जो नागरिक हैं वो बाहर काम करते हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वो लोग इस समय त्यौहार के समय लौट के आते हैं। विशेष तौर पे दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ होता है, उस समय लौट के आते हैं। कई लोग वहाँ अपनी गाड़ी कमाई लेकर के आते हैं, तो उनके साथ किसी पर ये घटना दुर्घटना ना घटित हो जाए, इसलिए सेवा शुरू की गई। विशेष तौर पे लेट नाइट में जो ट्रेनें आती हैं या लेट नाइट में बस आती है, तो उनको जो मुख्य मार्ग है उसमें कम से कम हम लोग उनके गंतव्य स्थान के पास तक पहुंचा दें। और साथ में एक सेक्शन फोर्स भी दिया गया है जो उन्हें सुरक्षित माहौल में लेकर के जाएगा और उनके गंतव्य तक पहुंचाएगा। प्रयास यही है कि लेट नाइट में जो भी यात्री आते हैं उन्हें गंतव्य तक पहुंचाया जाए, इसके लिए फिक्स टाइम हम लोग नहीं रखे हैं। लास्ट जो ट्रेन आती है उसका इंतजार किया जाएगा, ट्रेन बस जो है वो आकर के लग जाएगी शाम में 8 बजे लगभग। उसके बाद जो भी ट्रेन आती है लास्ट उस समय तक इंतजार करेगा। रूट हम लोग मुख्य रूप से एक डिसाइड किए हैं कि यहाँ से निकल के जो सरकारी बस स्टैंड है वहाँ जाएगा, वहाँ से महसौल चौक तक जाएगा, वहाँ तक अगर बस से बाहर से कोई व्यक्ति आए हैं तो उनको पिकअप करेगा, फिर आजाद चौक होते हुए कांटा चौक जाएगा, कांटा चौक में भी बाहर से कई सारी बसें आती हैं तो वहाँ भी 5 मिनट वेट करेगा। लेट नाइट में अगर कोई बाहर से आया है तो उसे बस पर अपना पिकअप करेगा और लेकर के भूतही या चौक होते हुए सोनबरसा तक जाएगा, और फिर उधर से वहाँ पे सोनबरसा में आधा घंटा बस रुकेगी और आधा घंटा में कोई इधर आने लौटने वाला पैसेंजर है तो उसको लेकर के वापस इसी रूट से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर लेकर के आएगा। प्रयास यही है कि जो बाहर से आने वाले यात्री हैं जो त्यौहार में भाग लेने के लिए लोग आए हैं उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए। किसी प्रकार की इसमें फी नहीं ली जा रही है, किसी प्रकार का उनसे टिकट नहीं लिया जाएगा, पूरी तरह से निःशुल्क सेवा है। प्रयास यही है कि जो हमारे लोग हैं उन्हें हम सुरक्षा प्रदान। सर ये रेगुलर रहेगा ये? हाँ, अभी वर्तमान में हम लोग इसे कम से कम छठ के बाद तक कंटिन्यूस रखेंगे, उसके बाद अगर आवश्यकता महसूस होगी तो आगे भी कंटिन्यू किया जाए। थैंक यू सर।